बसमल्ला रही अन अबी हुररत काला, काला रसूल सल्ला वसम इनमा बोशतल उतम मालखलाक अबू हुरार रज़ी उन्होंने मरवी है कि रसूल सल्ला वसम ने फ़रमाया मैं अख्लाक़ के आलिया को उनके इतमाम तक पहुँचाने ही के लिए महूस किया गया यानी इन नमशतों पैगम्बरों के हाँ जो चीज़ मतलूब मकसूद या इस दुनिया में नसबुल या मकसद की हैसियत रखती है वो मैं कई मरत कर चुका कि कुरान की रोशनी में तस्किया है पाकिजगी का हसूल इनफरादी ज़िंदगी में पाकिजगी इज्तमाही ज़िंदगी में पाकिजगी इस पाकीज़गी में बदन की पाकिजगी का भी एक मकाम है खुर नोश की पाकिजगी को भी बड़ी अहमियत हासिल है कि वो चीज़ें के जो तयब हैं सिर्फ़ वही खाई जाए और खबाइस के करीब न जाए लेकिन सबसे बढ़ कर बल्कि मकसूद असली की हैसियत अखलाक की पाकिजगी को हासिल है यही तमाम पैगम्बरों के दीन में एक बुनियादी बात है तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को सामने रख कर ये कहा है कि मैं अख्लाक आलिया को उनके इत्माम तक यानि उनको पूरा करने तक पहुँचाने ही के लिए महूस किया गया मेरी बेसत का असली मकसूद यही है कि लोग अखलाकी लिहाज से पाकिज़ा बल्कि आखिरी दर्जे में पाकीज़ा बनने की जद करें तो पाकिजगी या अखलाकी पाकिजगी किन किन जावियों से मतलूब है किस किस पहलू से मतलूब है किस किस मरहले में मतलूब है मैं इन्हीं चीज़ों को तुम्हें बताने समझाने और पूरी तरह वाज़ कर देने के लिए भेजा गया हूँ ये मुस्न्द अहमद की रवायत है रकम दो सौ इक्यालीस इस पर मैं लिखा है कि ये जो कहा कि इतमाम तक पहुंचाने ही के लिए महूस किया गया हूं, इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि उनको पूरी तफसीलात के साथ वाजे कर देने और उनका एक कामिल नमूना लोगों के सामने पेश कर देने के लिए दोनों पहलुओं से चीज़ों की वजाहत की ज़रूरत होती है ये कि उनको अल्फाज में वाजे किया जाए उसकी तफसी बताई जाए हर सवाल का जवाब दिया जाए और फिर ये कि लोगों के सामने उसका एक अमली नमूना हो बल्कि बास चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक वो अमली नमूने में नहीं ढलती उनका इब्लाग भी मुमकिन नहीं होता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही वजह है कि जो दीन हमें मिला है वो लफ्स और अमल दोनों के ज़रिए से मिला है यानी एक जानब क़ुरान मजीद है जाहिर है कि वो बिलफ़्स हम तक पहुँचा है उसके साथ रसोल्ला वसम के बहुत से इरशादात लोगों ने पहुँचाए हैं वो भी जाहिर है कि लफ्ज़ों में पहुँचाए हैं और अमल में सुन्नत है और इसके साथ रसोल्ला वसलम के उसवा हसना की बहुत सी गैर मामूली तस्वीरें हैं जो हमारे सामने आ गई हैं तो अमली लिहाज से ये चीज़ें दोनों ज़रूरी हैं यानी उनको पूरी तफसीत के साथ वाज़ कर देने और उनका एक कामिल नमूना लोगों के सामने पेश कर देने के लिए किन का अख्लाक आलिया का आला अखलाक का रवायत में ये बात जिस हसर के साथ कही गई है यानी ये जो कहा गया है कि मैं इसी लिए भेजा गया हूँ उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि दीन में अखलाक आलिया की क्या अहमियत है दीन हमारे यहाँ सबसे बढ़कर जो चीज़ नजरअंदाज होती है वो अखलाक आलिया है मजहबी लोगों में दीनी ख़िदमत अंजाम देने वालों में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए जिसमें अदना दर्जे में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए वो अखलाक तथहर है यानी इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनी ख़ानदानी और माशरती ज़िंदगी में अपनी कारोबारी ज़िंदगी में अपनी सियासी ज़िंदगी में अगर वो अपने आप को मुसलमान कहता है तो अख़लाकी लिहाज से पाकिजगी को नसम वैन बना कर जिए और जहाँ कहीं एक कदम हो फिसले और कोई गलती कर जाए तो फ़ौर अपनी असल मंजिल की तरफ जाए जैसे आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे हों और अगर आप फिसल जाएं, तो अपने आप को फ़ौर बचाने की भी कोशिश करते हैं और फिर पहले से ज़्यादा अज्म और हजम एहतियात के साथ आगे कदम रखते हैं तो ये करना चाहिए